सिर्फ 2 कप दूध से बनी ये मिठाई बिल्कुल सॉफ्ट मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाली है। इस मिठाई के आगे बाजार की रसमलाई फेल है। देखने में भी अच्छी लगती है, खाने में बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी है। बनती भी है बिल्कुल आसानी से, बाजार की मिठाई से कहीं ज़्यादा सस्ती बनती है मिठाई। इसे जब भी आपके घर मेहमान आए तो फटाफट आप बना सकते हैं। बिना कंडेंस मिल्क, बिना पनीर के इस मिठाई को बनाएंगे पर मिठाई बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। आइए देखते हैं घर में इस मिठाई को बिल्कुल आसानी से कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप दूध। हमने मेजरिंग कप से नाप कर दूध लिया है, आप चाहें तो घर की कोई कटोरी या ग्लास से भी नाप कर दूध को ले सकते हैं। फ्लेम को हमने मीडियम हाई पर रखा है। अब इसे लगातार चलाते हुए एक उबाल आने तक पकाएंगे। अब दूध आपको कौन सा लेना है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप फुल फैट मिल्क से इस मिठाई को बनाएं, आप चाहें तो गाय भैंस का दूध भी ले सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप रोज़ सिरप और 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। रोज़ सिरप से इसमें टेस्ट और कलर बहुत अच्छा आएगा और मिल्क पाउडर से दूध जल्दी थिक हो जाएगा और क्रीमी भी हो जाएगा। तो इसे हम इसमें मिक्स करते हुए 2 मिनट तक पका लेंगे लगातार चलाते हुए। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। 2 मिनट हो गया इसे पकाते, अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो पहले हम इस दूध को टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें रोज़ सिरप डाला है, रोज़ सिरप मीठा होता है। तो इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच चीनी। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो चीनी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे चीनी मेल्ट होने तक। इस मिठाई को हमने रोज़ सिरप डालकर बनाया है, आप चाहें तो इसकी जगह केसर डालकर बना सकते हैं। तो इसे हमने 2 मिनट तक पका लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट, जिसमें हमने लिया है काजू बादाम, जिसे हमने छोटे टुकड़ों में काटा है, आप चाहें तो इसे और बारीक टुकड़ों में काट सकते हैं। साथ में डाल देंगे थोड़े से बारीक कटा हुआ पिस्ता। ये सारी चीज़ें डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, पर बाज़ार की मिठाई में ये सारी चीज़ें पड़ती हैं, इससे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। अच्छे फ्लेवर के लिए हमने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच कुटी हुई हरी इलायची। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट तक और पका लेंगे। इस दूध को हमें बिल्कुल गाढ़ा नहीं रखना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इसे हमने 2 मिनट तक पका लिया है। अब इसमें हम डालेंगे फूड कलर। तो यहाँ पर हमने रेड फूड कलर लिया है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर फूड कलर डालने से इस मिठाई का कलर बहुत अच्छा आता है। जब आप केसर डालकर बनाएं तो भी आप उसमें येलो फूड कलर ज़रूर डालें, इससे मिठाई का कलर अच्छा आएगा। दूध को हमने 2 मिनट तक पका लिया है, फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे। आप देखें दूध में कलर भी बहुत अच्छा आया है और ये अभी थोड़ा पतला है, पर ठंडा होने पर ये थोड़ा थिक हो जाएगा। अब इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे, इसे रखते हैं साइड में। इस मिठाई को बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप मावा। ग्राम से देखें तो ये 200 ग्राम मावा है। इसे डालेंगे पैन में, लो फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक भून लेंगे। ध्यान रखें इसे लगातार चलाते रहें, नहीं तो ये नीचे जल भी सकता है। 2 मिनट तक इसे हमने भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच रोज़ सिरप और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इस मिठाई को पनीर से भी बना सकते हैं। पनीर को मैश कर लें या ग्रेट कर लें और फिर उसमें आप रोज़ सिरप डालें या केसर डालें, थोड़ा सा चीनी डालें, तो भी आपकी ये मिठाई बन जाएगी। पनीर से बनाएंगे तो उसे भूनने का ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। अच्छे से इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कुटी हुई हरी इलायची, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में और इसे ठंडा होने देंगे। अभी हमने इसमें फूड कलर नहीं डाला है, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ही डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, पर थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल देने से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ी सी पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं, पर ध्यान रखें जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी आपको चीनी डालना है। बहुत अच्छे से इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और हाथ में इस तरह से रोल करते हुए
इसे हम लड्डू के शेप में बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी प्रोसेस से सारे मिश्रण का हम लड्डू बना लेंगे। आप इसे छोटा या बड़ा बना सकते हैं, पर जिस साइज का हमने बनाया है ये बिल्कुल परफेक्ट साइज है इस मिठाई के लिए। तो सारे बॉल्स हमारे बनकर बिल्कुल तैयार है। इस मिश्रण से हमने 9 बॉल्स बनाए हैं। अगर आप थोड़ा छोटा बॉल्स बनाते हैं तो आपके बॉल्स थोड़ा ज़्यादा बन जाएंगे, पर ये बिल्कुल परफेक्ट साइज है। अब इसे रखते हैं साइड में। इस मिठाई के लिए हमने लिया है ब्रेड, ये इस मिठाई का मेन इंग्रेडिएंट्स है, तभी ये मिठाई बिल्कुल रसमलाई जैसी बनकर तैयार होगी। तो ब्रेड के साइड को काट कर निकाल देंगे और जो ये कटे हुए साइड के टुकड़े हैं ना, इसे आप फेंके नहीं, मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लें। इससे आपकी ब्रेड क्रम्स बन जाएगी। इस ब्रेड क्रम्स को आप कटलेट बनाने में यूज कर सकते हैं। सारे ब्रेड के किनारों को हमने काट कर निकाल दिया है। एक बाउल में हमने लिया है 1 कप ठंडा दूध। इसमें हम ब्रेड को डिप करेंगे, तो दोनों साइड पलट कर इसे डिप कर ले, दूध में इसे छोड़े नहीं तो ये टूट जाएंगे। हल्के हाथों से इसे प्रेस करके एक्स्ट्रा दूध को निकाल देंगे। इसे हल्के हाथों से ही प्रेस करें, नहीं तो ये टूट जाएंगे। बीच में रखेंगे बनाए हुए बॉल्स को। चारों तरफ से ब्रेड को उठाते हुए इकट्ठा कर लेंगे। ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं तो बहुत आसानी से ये आपस में जुड़ जाएंगे। इसे इस तरह से प्रेस करते हुए दे देंगे लड्डू का शेप। आप देखें ये बिल्कुल रसगुल्ले जैसा बनकर तैयार होता है। तो इसी प्रोसेस से सारे बॉल्स को बनाकर तैयार कर लेंगे। इस मिठाई को बनाने के लिए हमने मिल्क ब्रेड का यूज किया है। अगर आपके पास मिल्क ब्रेड नहीं है तब आप व्हाइट ब्रेड से इसे बना सकते हैं, पर मिल्क ब्रेड से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस मिठाई को बनाने के लिए आप बड़े ब्रेड का इस्तेमाल ना करें, छोटे साइज के ब्रेड से इस मिठाई को बनाएं, मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो हमने सारे बॉल्स को बनाकर तैयार कर लिया है। जिस बाउल में आपको सर्व करना है उसी में आप सारे बॉल्स को रखें। और ये दूध हमारा ठंडा हो चुका है, आप देखें ये बिल्कुल परफेक्ट है ठंडा होकर, ये ज़्यादा थिक नहीं हुआ है। ऐसा ही दूध चाहिए हमें इस मिठाई के लिए। अगर आपका दूध थिक हो गया हो तो उसमें आप थोड़ा सा ठंडा दूध मिला सकते हैं। अब इस दूध को हम डालेंगे इस बॉल्स के ऊपर। जब दूध पतला होगा तभी ये बॉल्स अच्छे से दूध को सोक करेगा और ये मिठाई बहुत अच्छी लगेगी खाने में। आपने देखा कितने कम बजट में और कितनी आसानी से बाज़ार से अच्छी मिठाई आप घर में बना सकते हैं। आपने अगर घर में मावा बना लिया और इस मिठाई को आप पनीर से बनाते हैं तो पनीर भी आपने घर में बना लिया, और ब्रेड तो सस्ता मिलता ही है, तो ये मिठाई आपकी बहुत कम बजट में घर में बनकर तैयार हो जाएगी। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता, जिससे ये मिठाई देखने में बिल्कुल बाजार जैसी लगेगी। लीजिए, सर्व करने के लिए तैयार है ये बहुत ही टेस्टी झटपट बनने वाली मिठाई बिल्कुल कम बजट में। आप देख रहे हैं ना, लग रही है बिल्कुल बाजार जैसी रसमलाई। चलिए इसे अब सर्व कर देते हैं। तो इस मिठाई की रेसिपी को आप घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। जिसे भी खिलाएंगे सभी आपकी तारीफ करेंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ये मिठाई। इसे हमने रोज सिरप से बनाया है इसलिए इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो एक बार आप रोज सिरप से इस मिठाई को ज़रूर बनाकर देखें। आप देखिए इसे हम कट करते हैं, अंदर से भी ये बहुत अच्छी लगती है देखने में और खाने में तो ये टेस्टी है ही। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए। इसे शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें मिठाई खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।